भुलवाल के करीब मोटरवे पर कार से एक ही खानदान के चार अफराद की लाशें बरामद। लाशों को टीएचटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जहांबा का अफराद की शनाख्त 25 साल समर, 55 साल रोमेला, 30 साल महर और 6 साल बच्चा ऑन अली के नाम से हुई। ड्राइवर नीम बेहोशी की हालत में अस्पताल दाखिल। वाकये की तहकीकात जारी। सादिकाबाद के करीब कच्चे के इलाके में पुलिस की दो गाड़ियों पर डाकुओं का रॉकेटों से हमला। 12 अहलकार शहीद, 6 जख्मी हो गए। 2 जख्मियों की हालत तश्वीशनाक। पुलिस मोबाइल में 20 अहलकार सवार थे। दोनों गाड़ियां बारिश के पानी में फंस गई थीं। आईजी पंजाब रहीम यार खान पहुंच गए। कहा, जवानों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन भरपूर ताकत से जारी रहेगा। पन्नू आकिल में सखर मुल्तान मोटरवे पर ट्रक की कार को टक्कर। हादसे में खातून समेत 4 अफराद जहां बहाक, 1 खातून जख्मी हो गई। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस के फैसले से मुतनाजा पैराग्राफ हजफ कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। कहा, कोई ताकत अकीदा खत्म नबूवत के खिलाफ साजिश नहीं कर सकती। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद अदालत के जज नासिर जावेद राना समाअत करेंगे। गुज़िश्ता समाअत मुलजिमान के वकला की अदम दस्तियाबी पर मुलतवी की गई थी। इजरायली वफ़द जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए कायरा पहुंच गया। मिस्री, अमरीकी और इजरायली हुकाम के दरमियान आज कायरा में मुज़ाकरात होंगे। जंगबंदी मुज़ाकरात में तवज्जो मिस्र गजा सरहद पर मरकूज होगी। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी से टेलीफोन पर रबता। जंगबंदी मुहिदे के हवाले से तबादला ख्याल। शिकागो में डेमोक्रेट नेशनल कन्वेंशन का आखिरी रोज। कमाला हैरिस ने सदारती इलेक्शन के लिए डेमोक्रेट की नामजदगी कबूल कर ली। खिताब में डोनाल्ड ट्रंप पर शदीद तनकीद। कहा, ट्रंप बहुत से ज्यादा मामलों में गैर संजीदा हैं। ट्रंप के दोबारा व्हाइट हाउस में आने के नतीजे भी होंगे।